वेलकम बैक विद अ न्यू एंगल। और कई लोग कहते थे आपका खाना नहीं दिखता, तो हमें खाना भी दिखाओ। तो बिल्कुल भाई, आपका हुक्म सर आंखों पर। और खाना भी आज हम शो कर रहे हैं पीने के साथ, ठीक है। सबसे पहले हम खोलेंगे सलाद। कोशिश करेंगे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि ब्रांड रिपीट हो रहा है। आज हमारे साथ एपिसोड है, तो जो लोग नहीं देखना चाहते हो ना देखें। साथ में है जंकी, ऑरेंज ड्रिंक, घर का बना फुल्का माँ के हाथों का, क्योंकि माँ के हाथों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। या कर सकता है, माँ के उल्टे हाथ का मुकाबला माँ का सीधा हाथ कर सकता है। सिंपल। आप भी कहोगे मैं दिमाग दौड़ाता हूँ तो कहाँ कहाँ दौड़ाता हूँ, पर जहाँ दौड़ाना चाहिए था वहाँ नहीं दौड़ाता। What's good? Look at the value of amount of salad given by Sardar ji. That's why I like some shopkeepers. They are very open-hearted. So, मैं भी बहुत open-hearted इंसान हूँ। और दारू थोड़ी सस्ती पी लेता हूँ, पर बंदा सही हूँ। मतलब सस्ती क्या, जब जो जितने होते हैं उस बजट के हिसाब से पी लेता हूँ, तभी तो आपको नए नए बजट बताता रहता हूँ। ये है टिक्के विद ग्रेवी ऑफ मलाई एंड क्या कहते हैं उसे, जो भी कहते हैं, चलो छोड़ो। चलिए सैलेड से शुरुआत करते हैं। मूली है, गाजर है और धनिया भी आज, तो अच्छी बात तो ये है। और रोटी को यहाँ रखेंगे और फर्स्ट वी विल ट्राई विद माय बेयर हैंड्स। भाई धनिया हर चीज़ में चार चांद लगा देता है। नाउ इट्स टाइम फॉर टिक्का। आई विल गो विद अ स्मॉल पीस। यह पुदीना चटनी के साथ। ओ माय गॉड, दैट इज ऑसम, रियली इट इज बोनलेस टिक्का। कॉस्ट अराउंड 70 रुपीज पर सीख, विद एंडलेस टेस्ट। एंड दिस विस्की इज 80 रुपीज इन दिल्ली। सो आई एम क्वाइट अ बजट पर्सन दिस टाइम, मैनी टाइम्स। लेट्स स्टार्ट। आप बताना ये एंगल सही है, कभी कभी ऐसे बनाया करें, या वही वाला जो हमारा पुराना एंगल है। पहला मैं लगाऊंगा सिर्फ पानी के साथ। एपिसोड अच्छी है, 80 रुपये में बहुत अच्छी विस्की है, 80 रुपये का क्वार्टर। जय भैरव की। चीयर्स। इट इज़ अ वेरी सॉल्टी विस्की। अच्छा, ड्रिंकिंग के साथ मूली मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, ये मिर्ची लगा देती है, अगर आपने नोट किया हो तो। और दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जो सबसे बढ़िया व्लॉग बनाता है यूट्यूब पे, बिल्कुल रॉ, उसका नाम है हैरल्ड बॉल्डर, HARALDR कुछ ऐसे, हैरल्ड बॉल्डर। हाँ, और बॉल्ड एंड बैंक्रप्ट। तो फिलहाल मैं हैरल्ड बॉर्डर देख रहा हूँ, वो अभी गया हुआ है तंजानिया। देखो, मेरा भी मन है ऐसे ही इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर बनने का। कोई क्या इन्फ्लुएंस करेगा अभी शराबी, बट ऐसे जज ना करें हमें। ये तो एक हमारा रंग है, जैसे हर इंसान के कई रंग होते हैं, इंद्रधनुष के भी साथ ही रंग होते हैं, तो ऐसे ही हमारा भी रंग है और हमारा भी अपना एक ढंग है। लेट्स ट्राई विद जंकी दिस टाइम। मैं जंकी इसलिए ले आया क्योंकि जो चीप विस्की होती है हमारी भारतीय मूल की, उसका टेस्ट कभी कभी इतना पसंद नहीं आता, तो उसके साथ एक और चीप ड्रिंक पीने का मज़ा अलग है। तो मैं हैरल्ड की बात कर रहा था। हैरल्ड तंजानिया गया हुआ है जंजीबार, जिसमें वो नोमैड शुभम भी गया था अभी। तो आप दोनों का रिव्यू देखना,
और मुझे बताना किसका आपको ज़्यादा अच्छा लगा। आई एम अ बिग फैन ऑफ हैरल्ड बॉल, ये नहीं कि वो अंग्रेज है तो उसका फ़ैन हूँ, बट एक बहुत रॉ फुटेज जैसे हम बनाते हैं, वो ट्रैवलिंग भी, लोगों से मिलना भी अच्छा लगता है उसका मुझे। तो वो वहाँ पे क्या करता है, जैसे इंडिया में भी आता है तो वो देसी दारू ढूंढता है, मुंबई के स्लम्स में देसी दारू ढूंढने चला गया जो कि एक मुस्लिम एरिया था और ढूंढ भी ली और पी भी ली उसने, सबसे बड़ी बात। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें करता है वो। ऐसे ही अब जंजीबार में वो गया था देसी दारू ढूंढने, जिसे वहाँ पे देसी दारू को कहते हैं वहाँ गोंगो, शायद गोंगो ही था। तो बढ़िया लगती है उसकी वीडियो, आप देखना ज़रूर, हैरल्ड बॉर्डर। हम ट्राई कर रहे हैं जंकी के साथ, इट्स अ फैंटा टाइप ऑफ ड्रिंक। आई लाइक इट, बट ऐसा लगा ही नहीं कि विस्की पी रहा हूँ, कड़वाहट नहीं आई क्योंकि बहुत मीठी है जंकी। नाउ इट्स टाइम फॉर द बेस्ट थिंग, मम्मी के हाथ की रोटी ज़रूर खाएं। जिन्होंने मम्मी के हाथ की मार खाई है उन्हें और स्वाद लगती है रोटी, मैं उनमें से एक हूँ। और हम पीस थोड़ा, सॉरी कैमरे के पास थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, कट करके वी विल गो विथ लाइक दैट। तो कई लोग दिस इंटरनेट कनेक्शन इजंट स्ट्रांग इनफ एट द मोमेंट, गूगल असिस्टेंट है मेरी, मेरे को कुछ ना कुछ बताती रहती है। हिट लाइक फॉर गूगल असिस्टेंट। आपको लगता है गूगल हमारा डाटा चोरी करता है? करता ही है, लगना क्या है इसमें। ओके, और थोड़ी ठंडी हो गई रोटी और हमारे कबाब टिक्का, सॉरी। तो जिनको टेस्ट अच्छे नहीं लगते दारू के, वो ये जंकी पी सकते हैं, बहुत मीठी है, बुला देती है कि आप दारू पी रहे हैं। पर ज़्यादा मत पीना मेरे साथियों, फिर से कहता हूँ, मैं किसी को प्रेरित नहीं करना चाहता पीने के लिए, बट जो लोग पहले से पीते हैं, एंजॉय माय चैनल। और मैं कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ ना, कोई प्रोमो शायद इससे पहले डालूँ, बट मेरे माइंड में तो आया था आज, तो मैं एक प्रोमो भी डालूँगा वीडियो से पहले जो आता है। सो आई वॉज ट्राइंग टू मेक वन टेक वीडियो, बट फ़ोन आ जाते हैं हमारे चाहने वालों के। आपको पता है ना मेरी चाहने वाली मुझे बार बार फ़ोन करती है, मुझे ये बताती रहती है कि भैया, ओ सॉरी भैया, अरे चाहने वाली को भैया बोल दिया, भैंड जो, यही तो दारू करवा देती है। जिसको भैया बोलना होता है उसको सैया बोल देती है, जिसको सैया बोलना होता है उसको भैया बोल देती है। इट्स जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। तो हमारे चाहने वाले, आपको और चाहने वाली बहन भी तो हो सकती है ना। चीयर्स। अघोरी नहीं थे हम पर किस्सा राख किया, अघोरी नहीं थे हम किस्सा राख किया, मोहब्बत जिसने परिवार से नहीं किया उसने क्या खाक किया। हमारी महफिलों में तुम्हें हर चीज़ मिलेगी मेरे भाई, यहाँ दिल की दुहाई से लेकर यारों की यारी मिलती है, और जो सब आप देखना चाहते हैं काफ़ी हद तक मिलता है ना। आई नो इट्स नॉट अप टू स्टैंडर्ड, लाइक देर आर नो फैंसी स्टफ, नो लाइटिंग, आई एम जस्ट सिटिंग ऑन माई रूफ अंडरनीथ दिस, मैं सिर्फ अपनी छत के नीचे बैठा हूँ। आप 5 स्टार में बैठे हैं बट मैं लाखों स्टारों के नीचे बैठा हूँ, ये लॉजिक आपको कैसा लगा? मुझे लगता है मोदी जी से तो अच्छा ही लॉजिक लगा होगा। आई एम सो फनी, थैंक यू। कई लोग कहते हैं गाली मत दो भैया, तुम दिल्ली में 3 दिन रह के देखो, तुम्हारी गाली भी निकल जाएगी और गान भी बाहर निकल जाएगी।
अब गाली की निकलेगी, और दिल्ली में तो तुम बिना गाली के ड्राइव करके दिखा दो तो तुम देवता हो। अगर तुमने यहाँ बिना गाली के ड्राइव कर ली ना तो तुम देवता हो। गाल तक कट दे ही नहीं बंदे, पर कट दे क्यों नहीं ये तो कोई नहीं जानता, ये तो कोई नहीं जानता। लोगों ने किसानों की बात करना छोड़ दिया, कभी वैक्सीन आ जाती है तो कभी कोरोना आ जाता है। अब जब कोरोना जा रहा है तो कह रहे दूसरे वाला आ जाएगा, फिर कहते हैं वैक्सीन वालों को भी हो जाता है। आज मैंने देखा वैक्सीन लगवा के एक बंदा मर भी गया। भैया करना क्या है, सोच तो लो। सोच ही नहीं पा रहे भाई, मेरी भाषा बदल गई। मैं राउंड टू हेल की वीडियो देख रहा था आज, वो भी बहन चोद जबरदस्त है। इतने बकचोद लड़के हैं ना वो, नाम तो मैं जानता नहीं उनके, क्या नाम है। मैं मतलब छोटा नहीं दिखा रहा हूं उन्हें भाई। मेरा दोस्त भेजता रहता है मेरे को, बहन चोद गजब की चूतिया बनती करते हैं वो। मैं लाइक करता हूँ उनकी वीडियो सारी। फिर से बोलूँ तो एपिसोड विस्की 80 रुपये में इतना अच्छा क्वार्टर आपको कहीं नहीं मिलता। दोस्तों कभी कभी हम सस्ती समझ के ना, कोई सस्ती दारू पीता है तो उसको सोचते हैं कि चूतिया है या लेबर है या रिक्शे वाला है, ऐसे सोचते हैं ना। अगर मैं आप मतलब आपके दोस्त अगर रॉकफोर्ड पी रहे हो और आप एपिसोड पी लें उनके आगे, तो वो क्या सोचेंगे, अरे भाई तू ये कैसे, ये सब चोचले होते हैं, बहन का भोसड़ा होता है इनकी माँ, मतलब जो ये लोग करते हैं उनका, ये लोड़े लसन। चलो ये सस्ती दारू है, मैं भी मानता हूँ ये सस्ती दारू है, तो उसमें बुराई क्या है, इसकी ऐड ना आती कहीं, ठीक है। सुपीरियर ग्रेन विस्की है, नशा जबरदस्त है इसमें, स्वाद इसका अच्छा है। बट बात क्या है सोसाइटी की, जब तक तुम सोसाइटी के आगे भैंचो 2600 की, 3000 की, 7000 की बोतल ब्लैक लेबल। मैं गया एयरपोर्ट में तो मुझे मेरे भाई कहते, ओ ब्रो ब्लैक लेबल की 2 बोतलें ले लियो, पैसे मेरे से ले लियो। बहुत सड़ी के, ये कौन सा लॉजिक है, ब्लैक लेबल की 2 बोतलें ले आओ और पैसे मुझसे ले लो। गांड मराओ ड्यूटी फ्री वाले, ड्यूटी फ्री माँ चुदाओ अपनी, हमें क्या ड्यूटी फ्री से यार, ये होती है ड्यूटी फ्री, रोड़ा ले लो। ड्यूटी फ्री चोते रहे मैं, ये हो है ड्यूटी फ्री, 80 का पौवा पीवे बंदे को याद कोई ना, ड्यूटी का थी मेरी वो होती है दारू। तो ये थोड़ी कि एयरपोर्ट से और या दुबई जाओगे तो तुम कुछ लाओगे तभी कुछ तुम्हें नशा होगा, या तभी तुम बिल गेट्स के चौदे कहलाओगे। अरे भौसड़ी के, नशा अगर दारू में होता तो नाचती बोतल वाला हिसाब है, नशा तो तुम में है जो तुम इसको पी के झूल रहे हो। और ये क्यों भूल रहे हो कि जो सस्ती पी रहा है वो भी इंसान, जो महंगी पी रहा है वो भी इंसान। दोज हु आर ट्राइंग टू वेरी सफिस्टिकेटेड, आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट देम, दे आर लिटरली एस होल लिविंग ऑन दिस सच अ ब्यूटिफुल प्लेनेट गिफ्टेड बाय आई डोंट नो, आप भगवान कह लो या कुछ कह लो, हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी मिली है और इतने अच्छे मनोरंजन के साधन भी मिले हैं, और हम जैसे आप जैसे अच्छे लोग भी हैं जो किसी का बुरा नहीं चाहते, इस समाज को बेहतर ही करना चाहते हैं। अब आप कहोगे पीने वाला बेहतरी की बात कर रहा है, अरे बहन चोद मजिस्ट्रेट नहीं पीता क्या, या ऐसा चो नहीं पीता कोई, वर्दी वाले भी पीते हैं, जुडिशियल भी पीते हैं, हर बंदा अपने स्तर पे जीता है और हर बंदा अपने स्तर पे आज नहीं करता तो कल मेहनत करता है, करनी पड़ती है, जिंदगी करवाती है, जिंदगी की साइकिल है। पिक्चर देखी मैंने हर दिन दिवाली, साउथ इंडियन मूवी है हर दिन दिवाली, हिंदी में यूट्यूब पे गोल्ड माइंस यूट्यूब का चैनल है, देखना जरूर, जिंदगी के घोड़े घुल जाएंगे, नहीं तो लोड़े भूल जाएंगे, तुम्हारे लोड़े भी भूल गए तुम्हें कोई फर्क ना पड़े। तुम भैंड चोत कतई मोटे ही
परवरिश किए हो रहे हो। दारू के साथ भी बहन के लोड़ वो क्या कहते हैं उसे, कई लोग बहन चोद वो बनवाते हैं, फ्रूट सैलड कहते हो ना उसे। हाँ, रंडी के बच्चे उसमें दही गिरवा देते हैं, रंड कहते हैं हेल्दी हो गया। अगले दिन बहन के लोड़ों से 3-3 घंटे गेट बंद है, कहाँ का पैखाने का। सॉरी, पीते वक्त ऐसी बातें नहीं करते, पर कभी कभी मूड की मार जुट जाती है, मूड की मार जुट जाती है। एपिसोड विस्की का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर बहुत गंदा लगा तो डिसलाइक कर देना, अगर बहुत अच्छा लगा तो जो मर्जी करना, हमें तो कोई फर्क ना पड़े भाई। सब्सक्राइब करना ना करना, हमें तो कोई फर्क ना पड़े भाई। ये रोटी, ये दारू, ये जंकी है ये, हमें तो कोई फर्क ना पड़े भाई। जिंदगी मिली है, आराम से जीवें, जितना हो सके उतना पीवें। चाहिए हमारा लॉजिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी नहीं लगी तो किसी लौड़े लहसुन की वीडियो देखो, टिकटॉक यो बहन के लौड़ो गांड ना मराओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये था ट्रैवलिंग बोतल, ट्रैवलिंग बोतल, ट्रैवलिंग बोतल। ये आवाज़ मेरी गूंज रही है, 3 बार नहीं बोल रहा बहन के लौड़ो के पड़ोसियों। मैं तुम्हें बहन के लौड़ो नहीं बोला, बहन के लौड़ों के पड़ोसी को बोला तुम्हें मैंने। इसी बात में तुम्हारी जीत है और मेरा नाम मनजीत है।